नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मलकांगिरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश में निकाली गई भर्ती के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ले जाके आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इस भर्ती को देख सकते हैं और कैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, स्टेनोग्राफर क्लर्क और जूनियर टाइपिस्ट की निकाली गई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा अगर आपके पास है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 12वीं भी है आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोस्तों 81,100 रुपये पर मंथ यहाँ पर जो है आपको चली जाती है। तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये बता देता हूँ, मलकांगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है और ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में, यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा राज्य के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा का मैप आपके सामने दिख रहा होगा और ये लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो पड़ता है, इसी में दोस्तों इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो इस भर्ती जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर एज क्या रहने वाला है, रिटन टेस्ट सिलेबस क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, फीस इसमें आपको कितनी देनी है, एग्जाम डेट क्या रहने वाला है और फॉर्म को आपको ऑफलाइन कैसे यहाँ पर फिल करना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो ये भर्ती रिलीज की गई है, इसमें आपको जो फॉर्म है ऑफलाइन ही भरना है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पर दोस्तों 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइनली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है। फ्रेंड, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको districts.ecourts.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो यहां पर आपको दिखेगा दोस्तों हमारा प्यारा भारत, और यहां पर दोस्तों सबसे यहां पर जो उड़ीसा वाला जो यहां पर स्टेट दिख रहा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट में सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपके सामने दोस्तों उड़ीसा का मैप आपके सामने शो होगा, और इसमें दोस्तों यहां पर मलकांगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर दोस्तों ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लॉग इन हो चुके हैं। यहां पर आपको लास्ट में जाना है, रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे यहां पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो वैकेंसी रिलीज की गई है, जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, और यहां पर दोस्तों इस पर क्लिक करके ऐसा नोटिफिकेशन भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी भर्ती के रिगार्डिंग दोस्तों आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम बात करें इसमें किसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क में 3 वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर टाइपिस्ट में 13 है, और स्टेनोग्राफर थर्ड में 3 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। और उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 32 साल के कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहां पर रिटन टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 8 नवंबर 2021 इसका लास्ट डेट यहां पर दिया गया है। जो भी जानकारी दोस्तों यहां पर बताई जाती है सब कुछ यहां पर नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपको बताया जाता है। ठीक है, और यहां पर बात करें फीस की, तो अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना है, और एससी एसटी को किसी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। और हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रिटर्न टेस्ट कब कंडक्ट कराया जा रहा है, तो अभी दोस्तों ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, जल्द ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जैसे ही अनाउंसमेंट किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचना यहां पर प्राप्त करवा दी जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एप्लीकेशन मोड दोस्तों यहां पर ऑफलाइन है, और ये वाला जो एड्रेस आपके सामने शो हो रहा होगा इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसी एड्रेस पे अपना जो सारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब कुछ यहां पर जो है आपको सेंड करना रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के यहाँ पर पेपर जो है वो पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर बात करें जूनियर क्लर्क का, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर वन पेपर टू यहाँ पर होने वाला है। पेपर वन में दोस्तों इंग्लिश और अर्थमेटिक्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक्स से भी 100 आने हैं, और यहाँ पर जनरल नॉलेज से भी यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसका टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सेकेंड पेपर जो होगा कंप्यूटर साइंस जो प्रैक्टिकल होगा, और वाइवा 45 नंबर का पर लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टेनोग्राफर का यहां पर आप देख सकते हैं पेपर वन पेपर टू इसमें भी लिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश और शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिटन टेस्ट यहां पर होने वाला है 150 नंबर का। और यहां पर जो टाइम है दोस्तों यहां पर जो 2 घंटे का टाइम जो है इंग्लिश के लिए मिलेगा, और शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए दोस्तों यहां पर जो है 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। सेकंड पेपर यहां पर जो होने वाला है इंग्लिश साइंस प्रैक्टिकल जो होगा, और वाइवा 35 मिनट का यहां पर आप टाइम देख सकते हैं 1 घंटे का। इसी प्रकार से दोस्तों जूनियर टाइपिस्ट का यहां पर आप देख सकते हैं पेपर
1, पेपर 2 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पेपर 1 में इंग्लिश और यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन जो मार्क्स दिए गए हैं 150 नंबर के मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। और यहाँ पर समय आप देख सकते हैं 2 घंटा 10 मिनट का समय जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 2 के लिए दोस्तों कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल और बाइबल लिया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और मार्क्स जो रखा गया दोस्तों 135 नंबर का मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको देख लेनी है। तो बात करें आपको जो है फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के लास्ट में जाना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों आपको जो है प्रिंट करके निकाल लेना है और बिल्कुल दोस्तों साफ सुथरा इसको भरना है, नीट एंड क्लीन भरिएगा। जो भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर यहाँ पर सारा कुछ आपको भरना रहेगा। और सब कुछ भरने के बाद दोस्तों ये जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया, इसी एड्रेस पर दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म और सारे जो डॉक्यूमेंट है अटैच करके यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है। अन्य कोई जानकारी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस भर्ती से जुड़ी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।